ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम हर रोज़ अपने चैनल पे आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएं। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपको आपके काम में मिले सफलता, चाहे व्यापार हो या नौकरी, दिन दूंगी रात चौंगी तरक्की करें, तो आपको भी अपने घर या दुकान की इस दिशा में रखनी होगी। कामधेनु गाय को चुंबक की तरह खींचा चलाएगा धन दौलत। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कौन सी ये दिशा है और किस दिन और कैसे रखनी है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और जिससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सकें। चलिए अपने विषय पर हम पुनः वापिस आते हैं। आपने कई घरों या दुकानों में कामधेनु गाय को देखा होगा, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, जिनके शरीर पर कई देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। इन्हें कामधेनु गाय कहा गया है, जो कि समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। 14 बहुमूल्य रत्नों में से एक भी हैं। कहते हैं कि कामधेनु गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसी के साथ वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या यदि दुकान में कामधेनु गाय को रखा जाए तो बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलता है। आइए हम भी आपको बताते हैं कि इन्हें अपने घर या दुकान में रखने से आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं और क्या नियम है, उनका पालन करना भी अनिवार्य है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या दुकान के ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर दिशा में कामधेनु गाय को रखना सर्वोत्तम होता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। दोस्तों, यदि आपको अब तक ये वीडियो इसमें दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियोस देखते रहने के लिए। आप अपने घर में चांदी, पीतल या तांबे की धातु से बनी कामधेनु गाय की मूर्ति रख सकते हैं। शुभता के लिए ये सभी धातु शुद्ध व पवित्र माने जाते हैं, तो इन तीनों में से किसी भी कामधेनु गाय को आप रख सकते हैं, किसी भी मेटल की हो। सबसे पहला फायदा जो आपको मिलेगा वो है आय में वृद्धि के लिए। आप अपने घर की तिजोरी या दुकान के गल्ले के पास कामधेनु गाय की मूर्ति रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको इसका अच्छा असर देखने को मिलेगा। अगर आप अपने खर्चों से परेशान हैं तो घर, दुकान या ऑफिस के दक्षिण पश्चिम कोने में कामधेनु गाय की मूर्ति रखें। इसकी नियमित पूजा करने से आपके खर्चे हमेशा नियंत्रित रहेंगे, यानी बेवजह फिजूल खर्च नहीं होगा। कामधेनु गाय को घर के मुख्य दरवाजे पर भी आप रख सकते हैं। ऐसा करने से द्वार घर में जो है सुख समृद्धि आएगी और घर के सभी सदस्य दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। कामधेनु गाय यानी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, यानी कि आप समझ लें कि आप अगर कामधेनु गाय आपके घर में है तो सभी देवी देवता भी आपके घर में हैं। ये बहुत पवित्र मानी जाती हैं और ये समुद्र मंथन से निकली थी, जिसमें से लक्ष्मी मैया भी निकली थी, शंख भी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई आम गाय नहीं है, इसलिए इनकी मूर्ति जहाँ भी होती है वहाँ तरक्की, सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का आगमन होता ही होता है। इसलिए दोस्तों, आप भी यदि व्यापार करते हैं या अपने स्वास्थ्य से परेशान हैं, किसी भी तरीके से परेशान हैं, तो आप सिर्फ घर में रख लें जिस दिशा में हमने बताया, और फिर आप देखें कैसे आपकी जीवन में तरक्की देखने को मिलती है दिन ब दिन। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।